सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड यार, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंपॉर्टेंट या फिर यूज़फुल, जो भी कहो, एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए, जो कि अपने किसी भी मॉन्टाज वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में स्काई ग्लो या फिर ऐसा कोई भी ग्लो ऐड करते हैं। एंड अगर आप एंड्रॉयड में स्काई ग्लो ऐड करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास मेजरली दो ऑप्शंस रहते हैं, दो एप्लीकेशंस रहते हैं। एक है नोड वीडियो एंड एक है अलाइट मोशन। दोनों के दोनों बहुत ही अच्छा स्काई ग्लो आपको ऐड करके दे देंगे, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि भाई आप नोड वीडियो से स्काई ग्लो वगैरह ऐड करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बट देखो, यहाँ पर नोड वीडियो के साथ ये प्रॉब्लम है ना, नोड वीडियो बहुत ही कम डिवाइसेस में सपोर्टेड है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो कि नोड वीडियो उनके डिवाइस में सपोर्टेड है, पर वो फिर भी नोड वीडियो यूज़ नहीं कर पाते हैं या फिर वो प्रेफर ही नहीं करते नोड वीडियो यूज़ करने का, बिकॉज ऑफ नोड वीडियो का जो यूज़र इंटरफेस है ना, वो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग स्काई ग्लो वगैरह जब ऐड करते हैं अपने किसी भी मॉन्टाज वीडियो में, चाहे वो गेम प्ले मॉन्टाज हो, चाहे वो एडिटेड मॉन्टाज हो, या फिर वो AMV या फिर ऐसा कुछ भी हो, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं अलाइट मोशन का। एंड अलाइट मोशन का मैं आपको खुद बताता हूँ, अगर आप स्काई ग्लो एक्सपोर्ट करते हो ना अलाइट मोशन के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है स्काई ग्लो वगैरह एक्सपोर्ट होने में। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास पहले था Redmi Y3, जिसके अंदर आता था Snapdragon 625, जो कि कुछ खास प्रोसेसर नहीं है, बहुत ही मिड एंड टाइप प्रोसेसर था उस वक्त का। तो उस डिवाइस में मेरे को स्काई ग्लो एक्सपोर्ट करने में एक मिनट की क्लिप में अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, ठीक है। एंड सब सारे के सारे लो एंड डिवाइस यूजर्स को 1 मिनट का स्काई ग्लो एक्सपोर्ट करने में कुछ इतना ही टाइम लगता होगा, आई थिंक सो। एंड अभी मेरे पास, मैंने जो रिसेंटली में लिया Realme X7 Max, इसके अंदर आता है Dimensity 1200 प्रोसेसर, जो कि MediaTek का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। एंड आप Dimensity 1200 को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो Snapdragon के 870 प्रोसेसर से, ठीक है। लाइक 19-20 का फ़र्क है, बाकी दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली गलती से मुँह से निकल गया, सो सॉरी फॉर दैट। तो देखो यार, अभी मेरा जो न्यू फ़ोन है ना, इसके अंदर स्काई ग्लो अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ 1 मिनट की क्लिप, तो मुझे 8 मिनट का टाइम लग जाता है। मतलब कि मैं कितना भी हैवी प्रोजेक्ट क्यों ना रेंडर कर लूँ, बहुत जल्दी रेंडर होगा, बट जैसे ही मैं उसके अंदर स्काई ग्लो ऐड करूँगा ना भाई, तुम पूछो मत भाई, 1 मिनट का क्लिप रेंडर होने में या फिर एक्सपोर्ट होने में 10-12 मिनट 8 मिनट ऐसा टाइम लग जाता है। एंड ऐसा इसलिए होता है भाई, क्योंकि जो अलाइट मोशन के अंदर इफेक्ट है ना, गॉजियन ब्लर एंड फास्ट बॉक्स ब्लर, जिसका यूज़ करके हम पहले स्काई ग्लो ऐड करते थे, उसकी वजह से भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट टाइम इंक्रीज हो जाता था। अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो ना, तो आप बस और बस अलाइट मोशन के अंदर जाओ, एक नॉर्मल से फुटेज इंपोर्ट करो एंड उसमें बस थोड़ा सा गॉजियन ब्लर ऐड कर लो एंड फिर उसे एक्सपोर्ट करने का ट्राई करो, देखो भाई कितना ज़्यादा आपको टाइम लगता है उसको एक्सपोर्ट होने में। तो ये बात तो हो गई भाई, गॉजियन ब्लर की वजह से टाइम इंक्रीज़ होता था, पर उस टाइम पे हमारे पास कुछ और लाइक रास्ता भी नहीं था, कुछ और वे भी नहीं था स्काई ग्लो ऐड करने का इन अलाइट मोशन। बट अगर अलाइट मोशन का कुछ 1-2 दिन पहले या फिर पता नहीं कब एक अपडेट आया था, लाइक लेटेस्ट वर्जन 3.10.2 समथिंग, एंड उस वर्जन के साथ साथ ही यार एक बहुत ही लाइक ओपी सा इफेक्ट आया है सारे एडिटर्स के लिए, जो कि अपने मॉन्टाज में स्काई ग्लो ऐड करते हैं, जिसका नाम है लाइट ग्लो, ठीक है। एंड लाइट ग्लो अगर आप अपने मॉन्टाज में ऐड करते हो ना, तो आपको डिफरेंटली कुछ भी लाइक अलग अलग से कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा सेपरेटली कुछ स्काई ग्लो के लिए, आपको बस वो इफेक्ट ऐड करना है एंड उसकी कुछ सेटिंग्स को ट्वीक करना है, एंड फिर आपका स्काई ग्लो बहुत ही आराम से आपके मॉन्टाज में ऐड हो जाएगा। तो चलिए, मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन पर ले चलता हूँ एंड मैं आपको प्रैक्टिकली ही करके दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से लाइट ग्लो को यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट योर स्काई ग्लो, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, एज वेल कैन सी, मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर अलाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन का एप्लीकेशन ओपन कर रखा है एंड आपको इस अलाइट मोशन की APK फाइल की लिंक देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड ये जो मैं आपको APK प्रोवाइड करने वाला हूं ना, मैंने इसे एंड्रॉयड 10 में ट्राई कर रखा है एंड एंड्रॉयड 11 में भी ट्राई कर रखा है, दोनों के अंदर मुझे कोई क्रैश देखने को नहीं मिला, ना ही कोई ग्लिच देखने को मिला। सो होपफुली ये वाला APK आपके फ़ोन में भी आराम से काम कर जाएगा, फ्लुएंटली काम करेगा, कोई आपको लैग का तो अलग बात है, लैग आपके फ़ोन के प्रोसेसर पर डिपेंड करता है, बट क्रैशेज देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है अलाइट मोशन के मॉडिफाइड वर्जन में, एंड मुझे इस वर्जन के अंदर कोई क्रैश देखने को नहीं मिला। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ऑल्सो ये जो APK फाइल है ना, मैं आपकी इसकी और एक खासियत बता देता हूँ कि देखो भाई, ज़्यादातर हम देखते हैं भाई किसी भी अलाइट मोशन का अगर हम APK डाउनलोड करते हैं, तो या तो उसके अंदर XML फाइल इंपोर्ट होगा या तो उसके अंदर अलाइट लिंक वाले प्रीसेट्स इंपोर्ट होंगे, बट ये जो अलाइट मोशन है, इसके अंदर आप अलाइट लिंक वाले प्रीसेट्स भी इंपोर्ट
इंपोर्ट कर सकते हो एज वेल एज XML फाइल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो। दोनों मैंने ट्राई कर रखा है एंड दोनों ही बहुत ही आराम से इंपोर्ट हो जाते हैं। तो ये इस अलाइट मोशन का और एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। सो एक बार आपने सब कुछ ओपन कर लिया अलाइट मोशन को, फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का एक्सपेक्ट रेशियो, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट एंड बैकग्राउंड चूज करके क्रिएट कर देना है। सो एक प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आ जाएगा आपके सामने। आपको फिर प्लस पे क्लिक करना है, इमेजिन वीडियो पर जाना है, व्यू ऑल पर जाना है एंड देन अपने फ़ोन में से कोई भी वीडियो फुटेज या फिर कोई मॉन्टाज इंपोर्ट कर लेनी है। आई प्रेफर एक मॉन्टाज ही इंपोर्ट करना जो कि पहले से पूरी एडिट हो चुकी है एंड मैंने यहाँ पर एक वीडियो फुटेज इंपोर्ट की है। एक्चुअली में मैंने प्रीव्यू बनाया था एक सेक्स वाले प्रीसेट का, प्रीसेट नहीं ट्यूटोरियल का, सो प्रीसेट गलती से कह दिया। तो आप चाहो तो ये वाला सेक्स का जो मैंने ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं। तो इस पर स्काई ग्लो अगर आपको ऐड करना है तो पहले आपको वीडियो फुटेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना है, ऐड इफेक्ट्स पर जाना है, फिर आपको कलर एंड लाइट के अंदर जाना है एंड आपको यहाँ पर तीन नए इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक रहेगा डार्क ग्लो, जिससे आप एक डार्केस्ट ग्लो ऐड कर सकते हो अपने किसी भी वीडियो फुटेज पे। अभी के लिए हम इसे यूज़ नहीं करने वाले, पर आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सेकेंडली आपको लाइट ग्लो देखने को मिलता है, जिससे हम स्काई ग्लो बनाने वाले हैं एंड थर्ड एक सॉफ्ट ग्लो है, तो ये भी स्काई ग्लो का ही काम करेगा बट लाइट ग्लो इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइट ग्लो का इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो लाइट ग्लो के अंदर आपको डिफ्यूज़न, थ्रेशोल्ड, इंटेंसिटी, कलर, ब्लेंड, ऐसे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको सबका काम तो बताऊँगा ही, पहले मैं आपको डिफ्यूज़न का बताता हूँ, ठीक है। तो डिफ्यूज़न आप जितना बढ़ाओगे उतना ही आपका ग्लो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं डिफ्यूज़न को जीरो कर देता हूँ तो मेरा ग्लो बस और बस एक ही जगह पर रहेगा एंड डिफ्यूज़न में बढ़ाऊँगा तो धीरे धीरे ग्लो स्प्रेड होगा। आप जब नॉर्मली एक्सपोजर वगैरह से बनाते थे ना स्काई ग्लो, तो वहाँ पर गॉसियन ब्लर ऐड करते थे एंड गॉसियन ब्लर को जितना आप इंक्रीज़ करते थे उतना आपका स्काई ग्लो स्प्रेड होता था। तो आप डिफ्यूज़न को उतना वही समझ सकते हो कि आप इसको जितना इंक्रीज़ करोगे उतनी आपका ग्लो स्प्रेड होते हुए जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड आप जितना कम करोगे, तो देखो भाई अगर मैं थ्रेशोल्ड कम करता हूँ तो यहाँ पर जो ग्लो टाइप चीज़ है वो मेरे ज़मीन पर भी आ रही है, हर जगह आ रही है। तो थ्रेशोल्ड बेसिकली आप जब पहले ऐड करते थे ना एक्सपोजर गामा से, तो वहाँ पर आप गामा को कम करते थे जिससे आपका ग्लो ठीक से ऐड हो जाए। तो यहाँ पर आपको बस और बस थ्रेशोल्ड को बढ़ाना है एंड इतना रखना है कि आपके बस और बस स्काई पर ग्लो रहे, ठीक है। तो बेसिकली थ्रेशोल्ड यहाँ पर कितने एरिया को कवर करने वाला है ये ग्लो, उसके लिए ये थ्रेशोल्ड रहता है। तो थ्रेशोल्ड को अभी मैं इतना कुछ रखता हूँ मेरे स्काई के हिसाब से, बाद में इसको हम ज़्यादा कम कुछ भी कर सकते हैं। एंड हम जाएंगे इंटेंसिटी के अंदर एंड इंटेंसिटी एक मेन चीज़ है। इंटेंसिटी को बढ़ाओगे ना तो देखो भाई ग्लो का अमाउंट बढ़ जा रहा है, ठीक है, मीन्स ग्लो कितना रहेगा वो बढ़ जा रहा है। तो इंटेंसिटी को आपको उतना ही रखना है जितना नीडेड है, कुछ ज़्यादा मत रख देना नहीं तो फिर वियर्ड लगेगा, कुछ इतना इंटेंसिटी सही है। एंड अब हम डिफ्यूज़न को थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे हमारा जो ग्लो है वो हल्का फुल्का स्प्रेड हो जाए। फिर आपको नीचे देखने को मिल जाए कलर, ठीक है। तो कलर के अंदर हम जाएंगे तो कलर आप यहाँ से कोई भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर कुछ कलर्स रहते हैं बाई डिफ़ॉल्ट एंड बाई डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं करें तो कलर पैलेट पर क्लिक करो एंड एक नया कलर खुद ही जनरेट कर लो। सो अगर मैं चाहूँ तो कुछ रेड कलर का एक ग्लो बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। पर आप देख सकते हो रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद भी हमें यहाँ पर कोई रेड कलर का ग्लो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको रेड कलर का ग्लो चाहिए तो कलर चूज़ कर लेना, फिर जो ब्लेंड लिखा है ना ब्लेंड को बस फुल कर देना एंड आपको उसी पर्टिकुलर कलर का ग्लो देखने को मिल जाएगा आपके मॉन्टाज में या फिर आपके वीडियो फुटेज पे। एंड ये प्रीव्यू भी बहुत ही स्मूथली हो जा रहा है, देख सकते हो। मैंने अभी कोई यहाँ पर खास कलर करेक्शन किया नहीं है, खास क्या भाई कोई कलर करेक्शन किया ही नहीं है, बस ग्लो ऐड किया है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। सो ये एक बार ही ग्लो ऐड हो जाएगा ना, फिर आप डिफ्यूज़न को बढ़ा देना अगर आपको ज़्यादा जगह पर ग्लो चाहिए, कमा देना अगर आपको कम जगह पर ग्लो चाहिए। थ्रेशोल्ड का काम है, सॉरी डिफ्यूज़न बेसिकली स्प्रेड करता है, कमाता बढ़ाता नहीं है एरिया को। थ्रेशोल्ड से आप ये कितना जगह को कवर करेगा, कितनी इस कवरेज एरिया रहेगी इस ग्लो की, वो थ्रेशोल्ड डिसाइड करता है, ठीक है। मीन्स जितना कम थ्रेशोल्ड करोगे, आप देख सकते हो ज़मीन पर भी ग्लो आ रहा है, इधर उधर ग्लो आ रहा है, पर थ्रेशोल्ड को बढ़ाओगे तो बस स्काई पर ग्लो आएगा। एंड इंटेंसिटी मीन्स जितने जगह को आपने थ्रेशोल्ड से सिलेक्ट किया है उतने जगह पर कितना ग्लो आना है, मीन्स ग्लो का जो इंटेंसिटी वो कितना रहना है, बेसिकली इंटेंसिटी से वही होता है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें। फिर कलर, बेसिकली कलर चूज़ करना है एंड ब्लेंड को फुल कर देना है, तभी कलर चूज़ होगा, नहीं तो आपको नॉर्मल सा वाइट कलर का ग्लो देखने को मिलने वाला है। फिर एक हैलो है, ठीक है। तो हैलो को फुल करोगे तो आपको कुछ इस तरह के लाइंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप चाहो तो हल्का सा हैलो रख सकते हो, बाकी ये हैलो इफेक्ट डाल देता है आपके मॉन्टाज में, जो कि कुछ खास नहीं लगेगा, बट AMV वगैरह अगर आप कुछ ऐसा बनाते हो तो वहाँ पर हैलो इफेक्ट वगैरह आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अल्फा है, अल्फा को फुल कर दोगे तो आपका जो ग्लो है उसकी
अल्फा फुल हो जाएगी, अल्फा मींस ओपेसिटी फुल हो जाएगी। तो अल्फा को आई रिकमेंड 70-75 रखना। एंड आप देख सकते हैं कितना ही स्मूथली दिख रहा है हमें ये। सो मैं एक बार आपको इसको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। 1080p 60fps एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर एक्सपोर्टिंग की आप स्पीड देख सकते हो कितनी ही ज़्यादा फास्ट हो रही है। बस एक बार 1 मिनट लेफ्ट, ठीक है, मीन्स 1 मिनट से भी कम टाइम लग रहा है। सो यार आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड हाँ, नीचे ये भी कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो बना पाऊंगा। बाकी मिलेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, पीस out.